Lagapanja. Yeah, that's right. This is Sunil Shetty, and today I'm proud and super excited. दोस्तों बॉलीवुड की सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने गदर 2 के ऊपर दिया है तगड़ा रिएक्शन. गदर 2 ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस के छक्के छुड़ा दिए हैं, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की रिकॉर्ड्स को चकना चूर कर दिया और बॉक्स ऑफिस इतिहास की हिस्ट्री में सनी देओल ने 66 साल की में वाटर कम बैक लिया. 22 साल के बाद सनी देओल का बॉलीवुड में कम बैक और सारे सुपरस्टार परेशान है. पठान फिल्म से लेकर टाइगर जिंदा, सलमान भाईजान, आमिर खान और साउथ इंडस्ट्री के KGF चैप्टर 2 बाहुबली 2 किसी फिल्म के रिकॉर्ड को नहीं छोड़ा, सबके चीथड़े उठा दिए और बॉक्स ऑफिस पे अभी भी सुनाम है. पब्लिक अभी भी लाइनों में लग के टिकट्स ले रही है. गदर 2 का जो क्रेज वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसको देखते सुपरस्टार सनी शेट्टी ने दिया गदर 2 के ऊपर तगड़ा रिएक्शन. सुनील शेट्टी का कहना था कि भाई साहब का ढाई किलो हार बॉक्स ऑफिस पे भारी पड़ चुका है. गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे इतिहास रच दिया है. हमने सोचा नहीं था कि सनी देओल हमारे पाजी 66 साल की उम्र में ये सब कर पाएंगे. सुनील शेट्टी का कहना था कि सनी पाजी वेल डन, आपने कर दिखा, आपने सबको परेशान कर दिया. हम भी चाहते हैं कि गदर 2 जैसी मूवी हमको देखने को मिले. पूरा इंडिया पहले दिन से लेकर अब तक गदर 2 का पीछे पड़ा. मान लो गदर 2 ने पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना लिया. पब्लिक पागल हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल, सिनेमा हॉल फुल कैपेसिटी फुल हो चुकी है, टिकट्स नहीं मिल रहे और बॉक्स ऑफिस पर सोनामी है. सुनील शेट्टी का यह भी कहना था कि गदर 2 को देखने के बाद एकदम प्राउड वाली फीलिंग आती, एकदम विनिंग टाइप फीलिंग आती. जब बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा. गाइस गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. अपने पहले दिन 40 करोड़ की ओपनिंग लेके 7 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 283 करोड़ की कलेक्शन की, जबकि पठान फिल्म में 338 करोड़ की कलेक्शन की. केवल गदर 2 पठान से 14% बिहाइंड है. के बात की जाए गदर 2 छठे और सातवें आठवें दिन पठान फिल्म से भी आगे जा रही है और आने वाले 15 दिनों में गदर 2 पठान फिल्म को क्रॉस करेगी और इतिहास रचेगी. बॉक्स ऑफिस पे छठवें दिन 32 करोड़ की कमाई करके बाहुबली 2 पठान के KGF चैप्टर 2 बड़ी बड़ी सुपर ब्लॉकबास्टर मूवीज को पीछे छोड़ दिया है. 5 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 228 करोड़ की कलेक्शन करके आदि पुरुष सुल्तान वार को भी पीछे छोड़ा है. और गाइस आप बाकी सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान जिसको पीछे छोड़ना बाकी है, जो 10 से 15 दिनों के अंदर ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर बनेगी गदर 2 इंडिया नंबर हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन फिल्म, जो हिंदी बेल्ट में हो सकता है पठान में के 529 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़े, या बाहुबली 2 के 510 करोड़ के हिंदी बेल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, या फिर KGF चैप्टर 2 के 485 करोड़ के हिंदी बेल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, या फिर दंगल मूवी के 385 करोड़ के हिंदी बेल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, या फिर RRR मूवी के 275 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और बॉक्स ऑफिस पे इतिहास रचेगी. आप लोग कमेंट सेक्शन में लाइफ टाइम में गदर 2 हिंदी बेल्ट में कितना कलेक्शन करेगी, वर्ल्ड वाइड से 500 करोड़ का कलेक्शन होगा या 1000 करोड़ का नंबर क्रॉस करके पठान फिल्म के 1050 करोड़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालो. इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देगी 100% रियल है. मैं शुभकामना करता हूँ कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई करती रहे और सनी देओल गदर 2 जैसी और भी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर लेकर आते रहे. एकदम से चुप करके बैठ जाते हैं, 22 साल के बाद आए, हर आए साल गदर 2 के साथ साथ एक और भी बढ़िया मूवी आनी चाहिए और सनी भाजी को गदर 2 के बाद गदर 3 बनानी चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना.